निशित प्रमाणिक, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, असम कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने नए गृह राज्य मंत्री की नागरिकता की जांच की मांग की है। इस मामले में बोरा ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। उसमें दावा किया गया है कि प्रमाणिक बांग्लादेशी नागरिक हैं। बोरा ने पीएम मोदी को लिखा लेटर ट्वीट किया है। ये लेटर 16 जुलाई को लिखा गया था। इसमें उन्होंने लिखा, मैं आपका ध्यान गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह नए गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक की नागरिकता और जन्मस्थान से जुड़ा है। कई न्यूज चैनलों में पब्लिश्ड रिपोर्ट में निशित प्रमाणिक को बांग्लादेशी बताया गया है। उनका जन्म स्थान बांग्लादेश के गैबांधा जिले के पलासबारी पुलिस स्टेशन के तहत हरिनाथपुर में हुआ। वे कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल आए थे। कंप्यूटर की डिग्री लेने के बाद टीएमसी में शामिल हो गए और बाद में बीजेपी में आए और कूचबिहार से सांसद चुने गए। बोरा ने आगे लिखा है, समाचार चैनलों के मुताबिक प्रमाणिक ने छेड़छाड़ कर चुनावी नामांकन पत्र में अपना पता कूचबिहार दिखाया। चैनलों ने बांग्लादेश स्थित उनके पैतृक गांव का खुशनुमा माहौल भी दिखाया है, जिसमें उनके बड़े भाई और कुछ ग्रामीण प्रमाणिक के केंद्रीय मंत्री बनने पर खुशी जता रहे हैं। अगर ऐसा है तो देश के लिए बहुत गंभीर मामला है कि एक विदेशी को केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि निशित प्रमाणिक के जन्म स्थान और राष्ट्रीयता की जांच पारदर्शी तरीके से कराएं, ताकि पूरे देश में उत्पन्न भ्रम की स्थिति दूर हो सके। इंडिया टुडे के राहुल श्रीवास्तव और सूर्य अग्नि रॉय की रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। शनिवार 17 जुलाई की रात तक गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर मंत्रियों की सूची से प्रमाणिक का नाम और तस्वीर गायब पाई गई। आधिकारिक वेबसाइट पर अबाउट अस लिंक हु इज हु सेक्शन की ओर ले जाता है। इसके तहत दो लिंक हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री और दूसरा राज्य मंत्री का। राज्य मंत्री पर क्लिक करने पर नित्यानंद राय और अजय कुमार मिश्रा का ही नाम दिखाई दे रहा है। नित्यानंद राय पहले से राज्य मंत्री थे, जबकि अजय कुमार मिश्रा और प्रमाणिक को 7 जुलाई को मंत्री बनाया गया था। कैबिनेट सचिवालय ने 7 जुलाई को राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर भारत सरकार के सभी सचिवों को एक नोट में बताया था कि निशित प्रमाणिक ने गृह मामलों और युवा और खेल मंत्रालय में MOS के रूप में कार्यभार संभाला है। एक सीनियर अधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया कि यदि एक ही दिन में दो लोगों को मंत्री बनाया जाता है और कार्यभार सौंपा जाता है, तो फिर वेबसाइट पर एक ही मंत्री की फोटो और नाम ही क्यों दिखाया गया? ये जरूर कोई गंभीर चूक है। इंडिया टुडे ने जब गृह मंत्रालय से बात करनी चाही तो वहां से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं प्रमाणिक को फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं आया। बोरा के आरोपों पर बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा, इस तरह के आरोप हमेशा विपक्ष द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन इन्हें साबित करने के लिए विपक्ष को सबूत देने की जरूरत है। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के महासचिव सयंतन बसु ने कहा कि अगर वे इस मुद्दे को और तूल देना चाहते हैं तो वे अदालत जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बोरा से पहले पश्चिम बंगाल के सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री इंद्रनील सेन ने कहा था कि वह ये जानकर हैरान और स्तब्ध हैं कि केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक बांग्लादेश के नागरिक हो सकते हैं। यदि मौजूदा केंद्रीय मंत्री एक विदेशी नागरिक हैं, तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी सरकार इस तरह की सुरक्षा चूक कैसे होने दे सकती है? वहीं खबरें चल रही हैं कि प्रमाणिक के करीबी सूत्रों का कहना है कि मंत्री देशभक्त भारतीय हैं, जिनका जन्म, पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा भारत में ही हुई है। उन पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। अगर मंत्री के कुछ रिश्तेदार दूसरे देश में जश्न मना रहे हैं तो वह क्या कर सकते हैं? अगर कनाडा के सांसद के भारतीय रिश्तेदार गर्व महसूस करते हुए भारत में उत्सव मनाते हैं, तो उससे कनाडा के सांसद को क्या लेना देना है? यह उसी तरह का मामला हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में दिए अपने हलफनामे में प्रमाणिक ने पश्चिम बंगाल में अपने दिनहाटा पते का हवाला दिया है। आपके लिए ये जानकारी लाए हैं हमारे साथी डेविड। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।